परेशानियां और बीमारियां पूछ के नहीं आती, उस टाइम ये डबल हो जाती है जब आपके पास पैसे नहीं रहते और आपको बहुत ही टेंशन हो जाता है कि अब हम क्या करें। तो आपके पास तीन टाइप के जो पैसे होते हैं वो बहुत ही काम आते हैं। पहले तो वो है कि इमरजेंसी फंड, आप उसमें थोड़े थोड़े पैसे करके रखते रहते हैं तो एक बड़ा अमाउंट हो जाता है जिसमें से आप पैसे निकाल के अपने परेशानियों को टाल सकते हैं। दूसरा है फ्रेंड और लोन, जिसके चांसेस बहुत कम है। फ्रेंड अच्छे टाइम के लिए होते, बुरे टाइम के लिए बिल्कुल नहीं होते, तो इससे तो उम्मीद करना ही आप छोड़ दीजिए। तीसरा है डोनेशन, डोनेशन के थ्रू ही आप पैसे को अर्न कर सकते हैं, तो इसमें आप 2000 से लेकर करोड़ रुपए तक का फंड आप रेस कर सकते हैं। बस आपको इसमें एक अकाउंट क्रिएट करना है, आपको अपने जमीन तरीके जमीन पर उनको बताना है, सब डिस्क्राइब करना है और आप इसमें आप रेस कर सकते हैं। तो मैं आज आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप डोनेशन के लिए अपना अकाउंट क्लियर करेंगे और इसमें आप 2000 से करोड़ों रुपये तक आप इसमें कमा सकते हैं। बट आपको अपना जो जेन्युइन तरीका है, जो जेन्युइन प्रॉब्लम है वो आपको उसमें बताना है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो आप 2000 से करोड़ों रुपये तक आप इसमें फंड पा सकते हैं। सुभाष मोहन जी मेरा राजा और मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से आप डोनेशन के लिए ऑनलाइन अपना अकाउंट बनाएंगे और इसमें आप अपना फंड रेस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। डोनेशन लेने के लिए फंड रेस करने के लिए आपको इस पेज पर आना होगा जो आप जहां पे आप अपने ब्राउज़र में टाइपिंग कर सकते हैं keto.org। तो इस प्लेटफॉर्म के तीन खास बातें हैं। पहली बात है कि 0% प्लेटफॉर्म फीस, मतलब जितना आपको कमीशन मिलता है, जितना फंड रिफंड आपको मिलता है तो टोटल अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिना किसी चार्ज की। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 10,000 का डोनेशन मिलता है तो आप 10,000 रुपये अपने बैंक में विड्रॉ कर सकते हैं, तो बिना उस पर कोई प्लेटफॉर्म फीस या कोई चार्ज दिए हुए। दूसरी खास बात यह है कि यहाँ पे देख रहे हैं कि 1100 करोड़ रुपये फंड रेस हो चुका है। और तीसरी बात यह है कि यहाँ 55 लाख से भी ज़्यादा इसके डोनर है, मतलब 55 लाख से भी ज़्यादा है पैसा देने वाले लोग। तो नीचे ऐसे स्क्रॉल करके यहाँ देख सकते हैं कितना लोग इसको फंड रेस किया है। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि भूम पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगी और यहाँ पर आप ट्रेंडिंग में जाकर यहाँ चूज कर सकते हैं ऑल टाइप और यहाँ देख सकते हैं कि कितने आदमी यहाँ पर डोनेट किया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितने दिनों में कितना फंड इस पर डोनेट किया हुआ है। तो इस तरीके से ये देख सकते हैं कि 11 दिन में ये जो है इतना जो पैसे है वो रेस किया है। आप देख सकते हैं कि कितना है, 2,34,32,800 रुपये रेस किया है। इसके बाद इसी तरह से आप देख सकते हैं नीचे आइए, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 45 दिन, ये 7 दिन में देख सकते हैं कि 86,46,110 रेस किए हैं। किसी भी क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं कि वो कितने दिनों में और क्यों ये फंड रेस किया है। तो इसको आप इस तरह से बहुत आसानी से देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि वो कितने दिनों में और क्यों ये फंड रेस किया है। इसके बाद इसकी पूरी डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं, इसकी जो अपडेट है वो यहाँ से जाके इसकी पूरी जो अपडेट है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर इसका डोनेट भी देख सकते हैं कि कितने पर्सन है जो इसको डोनेट दिए हुआ है। जैसे कि यहाँ पर देखें विपिन जैन है जो 2,10,000 रुपये का इसमें डोनेट दिया हुआ है। तो इसी तरीके से इसका यहाँ गोल देख सकते हैं कि यहाँ लिख रखा है कि 1,20,00,000 रुपये इसका गोल यहाँ पर लिख रखा है। तो कोई भी पर्सन यहाँ पर जो है स्पीड पर क्लिक करके और यहाँ से देख रहे हैं कि डोनेट पर डोनेट ना पर क्लिक करके यहाँ देख रहे हैं और क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और पेटीएम UPI से भी यहाँ इस पर डोनेट कर सकता है। तो आप ऐसे ही जो अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपका ही कुछ इसी तरह से ही आपका जो एक पेज बन जाएगा जिसमें यही सब डिटेल दी गई होगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं शेयर पे, यहाँ पे अपने फ्रेंड सर्कल में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर कहीं भी इसको शेयर कर सकते हैं। एक नया अकाउंट क्लिक करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा स्टार्ट ए फंड रेसर।
तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके बाद यहाँ से आपको चूज कर लेना है कि आप फंड क्यों रेज करना चाहते हैं। तो यहाँ से चूज करेंगे आपको फंड क्यों रेज करना है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, एनजीओ या चैरिटी है, या कोई और रीजन है आपका, जैसे कि अपने एजुकेशन को आप आगे जारी रखना चाहते हैं लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, तो आप यहाँ पे अगर चूज करेंगे और अपना अकाउंट यहाँ क्रिएट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ चूज कर लेता हूँ मेडिकल ट्रीटमेंट, जैसे किसी को पैसे की ज़रूरत है किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए, तो यहाँ पे हम अपना पूरा नाम डालेंगे। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ आधार कार्ड से जो रिलेटेड जो आधार कार्ड में वही नेम आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद यहाँ पे आप एक अपना एक ईमेल आईडी डाल देंगे, यहाँ पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे, एक मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके सामने आपको ये पेज आएगा, यहाँ से आप इसको सेव भी कर सकते हैं और नेवर, चलिए मैं यहाँ से नेवर कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप डाल देंगे कि कितना जो है आप पैसे जो यहाँ पे रेस करना चाहते हैं और कितने पैसे की आपको जरूरत है, वो आप यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ देख रखा है कि मिनिमम आप 2000 से कम नहीं डाल सकते हैं, तो यहाँ पे आप मिनिमम 2000 से तक का आप इसमें रेस कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 50,000। जैसे कि मैं यहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट चूज किया, तो यहाँ बताना होगा कि पेशेंट कौन है। यहाँ पर सेल्फ फादर मदर जो भी है, तो यहाँ पर इसे सेल्फ है तो यहाँ पर सेल्फ डाल दीजिए। तो इस तरीके से इसमें आपको ढेर सारा ऑप्शन आ जाएगा, जो भी है तो आप इसमें से चूज कर सकते हैं, इसमें ढेर सारा ऑप्शन मिल जाएगा। और यहाँ से आप जाके पर्पस भी चूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर्पस आप डाल सकते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट का, अदर जो यहाँ पर हम अदर भी यहाँ पर डाल सकते हैं। और इस बार यहाँ से हम नेक्स्ट कर देंगे तो हमको वही आ जाएगा यहाँ पे, अब देखकर वही पर्पस हमको यहाँ पे आ चुका है। इसको यहाँ चूज कर लेंगे कि किसके लिए ये फंड आप रेस करना चाहते हैं, तो वो ये आप यहाँ से आप डाल देंगे। तो यहाँ पर डाल सकते हैं अपने लिए, किसी फैमिली मेम्बर के लिए, फ्रेंड के लिए, या पेट और एनिमल के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ डाल देता हूँ फ्रेंड। अब यहाँ पर बेनिफिशियरी का नाम डाल देंगे, तो यहाँ पर अपने फ्रेंड का नाम यहाँ पर डाल देना जिसके लिए ये फंड रेस कर रहे हैं। अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो आप अपना नाम यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर आप एक रीजन चूज करेंगे कि क्यों ये फंड आप रेस कर रहे हैं, तो इसमें आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा जो यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ से आपको ढेर सारा ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा, यहाँ पर एजुकेशन का भी, इन्वायरमेंटल, फूड, LGBT, बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इसके बाद सिंपली यहाँ डालने के बाद यहाँ आप डाल देंगे आई एम नोट ए रोबोट, एक कैप्चा फिलअप करेंगे, इसके बाद यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पे ओके कर देंगे। अब यहाँ पर आपको कोई इमेज या वीडियो अपलोड कर देनी है जिस भी पर्पस के लिए ये फंड आप रेस करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई गरीब बच्चे है उसके लिए आप फंड रेस करना चाहते हैं, उनके खाने के लिए, उनके कपड़ों के लिए, तो आप उनकी इमेज यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो उस पेशेंट की यहाँ पर आप इमेज अपलोड कर देंगे, जिससे पब्लिक को ये लगे कि हाँ ये जेन्यून है। तो ऐसे कोई भी इमेज या वीडियो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है, ये आप चाहे तो इनको छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको डाल देना है सिटी, इसके बाद यहाँ कर देना है सेव एंड कंटिन्यू पर ओके। इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी पूरी स्टोरी टाइप कर देनी है कि आप ये फंड किसके लिए रेस करना चाहते हैं, क्यों रेस कर रहे हैं, अपने सपोर्टर से आप क्या कहना चाहते हैं, आपको जो भी पैसा मिलेगा वो कहाँ पे जाएगा। तो आपके स्टोरी पे डिपेंड करता है कि लोग आपको पैसे देंगे या नहीं। तो इस तरीके से आपकी स्टोरी बिल्कुल सच्ची होनी चाहिए और उसमें सब कुछ क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई आपको डोनेशन देगा तो आपके जो उसके सामने आपकी यही स्टोरी आएगी और इसी के बेस पे आपको डोनेट करेगा। तो आप अपने स्टोरी इसमें आप टाइप करेंगे, तो इस तरीके से आप इसमें कोई इमेज भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर कोई लिंक भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। एप्लीकेशन टाइप करने के बाद यहाँ एग्री पर क्लिक करेंगे, यहाँ सबमिट फॉर अप्रूवल तो ओके कर देंगे। आपकी पूरी डिटेल केटो गायंसर के थ्रू उसके पास चली जाएगी, तो आपके डिटेल को वेरीफाई करेंगे, अगर उनको लगता है कि बिल्कुल जेन्यून है तो वो इनको अप्रूव कर देगा, जिससे आपका प्रोफाइल केटो वेबसाइट पर आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी फाइल है यहाँ पर मैं ऑलरेडी सबमिट कर चुका हूँ और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका जो है फाउंडेशन सक्सेसफुली ओपन हो गया है। तो आप इस तरीके से इसको सेट कर सकते हैं और यहाँ पर देख रहे हैं कि अपलोड डॉक्यूमेंट है, तो अपलोड डॉक्यूमेंट यहाँ से ओके करके कर सकते हैं। तो सिंपली मेरा ऑलरेडी सबमिट हो चुका है, तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ क्रिप्टो वेबसाइट पर आपको कुछ इस तरीके से आपका नाम आ जाएगा, और यहाँ से देख रहे हैं कि आपका जो फंड है कुछ इस तरीके से आपका फंड यहाँ शो कर रहा है, जो आप डाले थे गोल में वो 50,000 रुपये आप डाले थे। इसके बाद यहाँ पर जो एडिट फंड ट्रांसफर आप एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ फॉर्मेट का ऑप्शन है, विदड्रॉल का ऑप्शन है, डोनेट और इनबॉक्स आपका ये आ चुका है। यहाँ पर देख रहे हैं कि भेजी व्यू टूडे आज अभी जा रहे हैं शो है, या राइज टूडे
और यहाँ टोटल डोनेट कितना हो वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका हेल्प डेस्क क्रिप्टो डॉट को इतना है और यहाँ पे आपका जो फंड मैनेजेशन है इसको नंबर आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। इसके बाद यहाँ बोल रहा है कि आपका जो कंप्लीट केवाईसी आपको यहाँ से करना होगा। चलिए मैं यहाँ पर केवाईसी पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट चूज कर लेंगे, आपको कौन सा डॉक्यूमेंट देना है, जैसे आधार पासपोर्ट, जैसे मैं आधार चूज कर लेता हूँ। अब यहाँ आपको फ्रंट साइज का जो है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा, यहाँ बैक साइड का जो भी है वो अपलोड करना पड़ेगा आधार कार्ड का। चलिए मैं यहाँ पहले फ्रंट वाला ओके पर क्लिक कर लेता हूँ। आपका जहाँ भी आधार कार्ड है इस तरीके से आप ओके करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, इसको यहाँ पर ओके कर देंगे। अभी देखिए आधार कार्ड फ्रंट वाला ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है। चलिए मैं यहाँ से बैक वाला भी अपलोड कर लेता हूँ। तो बैक वाला जहाँ भी है उसको आप इस तरीके से सेलेक्ट करके यहाँ से ओपन कर लेंगे। अब आ चुका है, यहाँ अपलोड वाले पर ओके कर देंगे। तो ये आपको देख रहे हैं कुछ इस तरीके से आ गया है। चलिए मैं ऑलरेडी पहले कर चुका हूँ, तो इस तरीके से आ गया है। आप सिंपली उसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपका जो फाइल अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर लगा सकते हैं, ये तो पहले मैंने ऑलरेडी केवाईसी कर दिया है। यहाँ जो है एड ईमेज, यहाँ पर अपना ईमेल डाल सकते हैं। यहाँ शेयर विथ फ्रेंड, यहाँ पर जाकर आप जो शेयर फ्रेंड किसी भी अपना शेयर कर सकते हैं। तो प्रोफाइल पिक्चर एड करने के लिए सिंपली अब यहाँ पर फाइल पर जाएंगे, यहाँ पर फाइल वाला पे ओके करेंगे। ओके करने में जहाँ भी आपका पिक्चर है इस तरीके से पिक्चर सेलेक्ट करके यहाँ ओपन कर देंगे। और ये देखिए आपका पिक्चर आ गया, जिधर से आपको क्रॉप करना है जहाँ से भी रखना है तो सिंपली इसको इसे क्रॉप कर लेंगे। क्रॉप करने के बाद सिंपली यहाँ अपलोड, यहाँ जो क्रॉप एंड अपलोड पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका इमेज एडिट सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से आप जितना भी है उसको सभी को अपलोड कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका जो ओवरव्यू पे टोटल आपको यहाँ दिखा रहा है। प्रमोट पर जाने के बाद यहाँ पर अपने किसी भी व्हाट्सअप, फेसबुक, शेयर और शेयर मैसेंजर, ट्विटर या ईमेल कहीं भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। विड्रॉल पर जाके यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर डाल के इसको आप ऐड कर सकते हैं, जो आपको टोटल राशि मिलेगा उसको। यहाँ पर गोल्ड डोनेट के लिए, डोनेट पर जाने के बाद यहाँ जो भी डोनेट हुआ है वो आपके यहाँ शो करेगा, रिफंडेबल यहाँ पर शो होगा। और इनबॉक्स में जाने के बाद आपको यहाँ कोई सिंपली इस तरीके से कमेंट और मैसेज आपको कुछ इस तरीके से इनबॉक्स में मिल जाएगा। सिंपली ओवरव्यू पर जाने के बाद आप यहाँ पूरा अपना प्रोफाइल देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको फंड रेजर को भी आप यहां से एडिट कर सकते हैं। जितना भी मिलेगा वो भी वहाँ का यहां पर दिखाएगा, राइज टोटल कितना होगा वो यहां पर दिखाएगा, टोटल जो कितना हो गया है डोनेट वो आपको यहां पर शो कर देगा। तो इस तरीके से मैं आपको टोटल जो यहां पर दिखा चुका हूं। तो यहां से आप देख रहे हैं कि आपका जो ये जो प्रोफाइल है यहां जो है अप्रूवल प्रोसेसिंग में है, लेकिन 2 से 3 दिन में ये जो आपका ये अप्रूवल है जो इसका प्रूफ या रिजेक्ट जो भी है इसका ऑप्शन आपको यहाँ पर बता देगा। सो इस तरीके से आप केटो पे जो आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं डोनेशन लेने के लिए, किसी भी इमरजेंसी के लिए फंड रेस करने के लिए। सो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो कॉमेंट बॉक्स में जाकर कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।